व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी। मेरा नाम है सौरभ दिलीप और आपका स्वागत है हेल्दी थंडर के इस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। सो आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट मसल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मसल है। कहते हैं कि चेस्ट डे इज द बेस्ट डे। आज हम जो चेस्ट को ट्रेन करेंगे, लेकिन चेस्ट को ट्रेन करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सेकेंडरी मसल्स प्राइमरी मसल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शोल्डर कफ्स को प्रॉपर तरीके से वार्म अप कर रहा हूँ। 360 डिग्री प्रॉपर तरीके से मैं रोटेशन दे रहा हूँ ताकि जो मेरे शोल्डर जॉइंट्स है और बाकी अदर मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो जाए। तो आप यहाँ पे वार्म अप है वो प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें इंजरीज से प्रिवेंट करती है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने चेस्ट का सपोर्ट लेके फ्लाइज कर रहा हूँ, और यहाँ पे फ्लाइज करने का मेरा मतलब यही है कि मैं अपने जो मसल्स हैं उनको ओपन कर सकूँ। देन आप इसके बाद आप लाइट वेट लेकर उसको आप प्रॉपर तरीके से अपने मसल्स को वार्म अप कर सकते हो। तो जहाँ पे मैंने सबसे लाइट डंबल लिया है जिम के अंदर, सबसे लाइट डंबल यही है, तो मैंने लाइट डंबल से। सो इसके बाद बात आती है हमारे स्ट्रेचिंग्स की। स्ट्रेचिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम कोई भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मतलब यह है कि अपने मसल को लिटिल बिट आपको ओपन करना है, ताकि आप कोई हैवी मूवमेंट करने जाओ या कंपाउंड एक्सरसाइज करो तो आपके जो मसल्स है वो क्लियर हो, लेकिन आपके जो टेंडेंस और जॉइंट्स वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर आपने स्ट्रेचिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। आप अपने बैक को स्ट्रेच कर सकते हो, अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हो, अपने रूट्स को आप स्ट्रेच कर सकते हो, अपने नेक को आप स्ट्रेच कर सकते हो। बहुत सारी मसल्स है जिनको आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो, और यहाँ पर आपको फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस स्ट्रेचिंग में ज़्यादा आपने कुछ अपनी मतलब पावर लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग हम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पहला वार्म अप सेट है वो है पुशअप्स। ओल्ड फैशन पुशअप्स है जो कि हमारा वार्म अप सेट रहेगा। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव पुशअप्स भी कर सकते हो फॉर जस्ट वेरिएशन, और यहाँ पर आप क्विक आप 10 से 15 पुशअप्स या फिर 20 पुशअप्स आप यहाँ पे पुशअप्स कर सकते हो, ताकि जो आपकी शोल्डर जॉइंट्स हैं और आपका जो चेस्ट मसल है वो ओपन हो जाए। और आप यहाँ देख सकते हो जो मेरी फॉर्म है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो मेरे एल्बोज और जो मेरी हैंड पोजिशन है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैच कर रही है, यानी 45 डिग्री के ऊपर मैं अपने प्रॉपर हैंड्स को रखा हुआ है। एंड जो मेरे शोल्डर्स है वो ज़्यादा बैंड नहीं हो रहे, जो मेरा शोल्डर है वो बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल। पुशअप्स में अगली वेरिएशन आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। एज अ वार्म अप सेट के अंदर मैं इसे काउंट करता हूँ इंक्लाइन पुशअप। इसका फ़ायदा बेसिकली है कि आपका जो इंक्लाइन चेस्ट और जो आपका डिक्लाइन चेस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईली एंगेज है, तो आपका ऑल ओवर जो चेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा वार्म अप सेट है वो है डंबल क्रॉस ओवर्स। यहाँ पे अगेन मैंने लाइट वेट डंबल लिया है, आप मेरी फॉर्म देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो मेरा हैंड है वो चेस्ट के नीचे से मैं क्रॉस कर रहा हूँ अपनी दूसरी साइड, और जो मेरा राइट हैंड है वो चेस्ट के मिडल पे है, ताकि मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मसल को ग्रो करने के। तो अगली जो हमारी सेट है, जो हमारा रेगुलर सेट है, वो है डिक्लाइन बारबेल। अब यहाँ देख सकते हो मेरी मैं जो यहाँ पे ग्रिप ले रहा हूँ वो प्रॉपर मेज़र करके ले रहा हूँ अपने हैंड के ऊपर। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने जो हैंड प्लेसमेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपने शोल्डर विथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर आप एज अ बिगिनर हो। ओके, सो हम यहाँ पर पहला सेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपने फॉर्म देखना है कि जो हमारा बारबेल है वो हमारे डिक्लाइन चेस्ट है, जो लोअर चेस्ट है और जो आपका अपर एब्स है उसके बीच में आपने अपने बारबेल को प्रेस करना है, और प्रॉपर तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्लोली स्ट्रेच करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी मायने रखेगी एज कम्पेयर टू अदर चेस्ट एक्सरसाइज अगर आप लगाते हो। तो यहाँ पे आपने स्लो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में 10 से 15 रैप आप लगा सकते हो एज अ बिगिनर। उसके बाद बात करते हैं जो हमने शोल्डर विथ जो ग्रिप ली है, आप देख सकते हो मैंने जो ग्रिप ली है वो थोड़ी सी आधा इंच शोल्डर के बाहर लिए, ताकि मैं अपने आउटर हेड ऑफ चेस्ट को ज़्यादा हिट कर सकूँ। और आप देख सकते हो मैं अल्टरनेट बेसिस पे अपने बारबेल को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ, ताकि मोर कॉन्ट्रैक्शन मिल सके मेरे
बिगिनर रिकमेंड नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल पे हो तो आप ये कर सकते हो। ओके, देन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन चेस्ट प्रेसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डंबल का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेरे बेंच का एंगल है वो 55 डिग्रीज मैंने एंगल रखा हुआ है, बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ 55 डिग्रीज एंगल इसलिए ताकि मेरा जो अपर चेस्ट है यानी जो क्लेविकुलर हेड है उसके साथ साथ मैं अपने शोल्डर के फ्रंट पार्ट को भी यहाँ पे हिट करूँ। तो आप देख सकते हो मैं बीच में वेरिएशन मैंने डंबल थोड़े से ट्विस्ट कर लिए हैं। ये एज आप इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल पे कर सकते हो मसल को शॉक करने के लिए और थोड़ी सी अलग वेरिएशन के थ्रू जो आपके मसल्स को अलग अलग एंगल से आप हिट करो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हैंड्स जो है वो 45 डिग्रीज पे नहीं है, वो मैंने थोड़े से स्लाइडली बाहर रखे ताकि जो मेरे अपर चेस्ट का बाहर का एरिया है जो कि हमारे इंक्लाइन शोल्डर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा यहाँ पे ड्रे, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल ब्रिथ है चेस्ट की वो ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आपका अपर चेस्ट एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल डिफाइन करता है आपकी अपर चेस्ट ग्रो करने के लिए, ताकि जो आपका चौड़ाई है ऊपर से वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अल्टरनेट हैंड्स भी आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो चेस्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। सो इसके बाद हमारा लास्ट सेट होगा जो कि सबसे हैवीएस्ट सेट होगा, लेकिन मैं यहाँ प्रेफर करूँगा मॉडरेट हैवी चेस्ट चाहिए, ज़्यादा हैवी जाने की जरूरत। तो आप यहाँ देख सकते हो फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है और जो आप चेस्ट प्रेस लगाओगे तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजिशन होगी टॉप पे आपने पूरा अपने हाथ को लॉक नहीं करना, थोड़ा सा आपने उसके अंदर एल्बो के अंदर एक थोड़ा सा स्लाइटली बैंड रखना है ताकि आपका जो चेस्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रहे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लगा रहे हैं वो है केबल क्रॉस। यहाँ पर हम डिक्लाइन पोजीशन में हम लगाएंगे अपने लोअर चेस्ट को यहाँ पे ट्रिम करने के लिए। तो देख सकते हो जैसे कि मैं ज़्यादा हैवी वेट यहाँ प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, एक ही मैं यहाँ पे डिस्क के पे प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर पोजीशन सेट की है और अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और स्ट्रेच कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और स्ट्रेच कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है स्ट्रेचिंग है, क्योंकि आपका जो लोअर एरिया है चेस्ट का जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट है वो यहाँ से ट्रिम। साथ में हम लगा रहे हैं डंबल फ्लैट चेस्ट फ्लाइज। यहाँ पर अगेन आप 10 से 15 रेपिटेशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर एंड्योरेंस। तो मैं यहाँ पे लाइट डंबल से 10 से 15 यहाँ पे चेस्ट फ्लाई हिट करूँगा ताकि मेरे जो चेस्ट मसल है। सो दैट्स इट गाइस, गो होम एंड टेक योर